भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए दिल्ली में उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सांसदों की एक बैठक बुलाई है। अब इस बैठक में उत्तराखंड से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद मौजूद होंगे। आज ये बैठक होगी और लोकसभा के साथ ही राज्यसभा सांसदों को भी इसमें बुलाया गया है। इस बैठक में सभी सांसदों के साथ अगले चुनाव के लिए अभी से रूपरेखा बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक हुई थी उसमें तय कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड के सांसदों के साथ ही आगे की कार्य समिति और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों को भी कार्यों का दायित्व सौंपे जाने का प्लान है। फिलहाल मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जिस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बाद अब ये प्लान है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कैसे करें, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो 5 लोकसभा सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी टिहरी गढ़वाल सीट से सांसद हैं, तो वहीं गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं। तो बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा वो भी तस्वीर देखिए। पुष्कर सिंह धामी, दुष्यंत गौतम, रमेश पोखरियाल और तीरथ सिंह रावत इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा देखिए राजलक्ष्मी शाह, अजय टमटा, अजय भट्ट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी आज इस बैठक में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और किस तरीके से जीत हासिल की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसको लेकर अभी से रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने आज बैठक बुलाई और ये देखिए राज्यसभा सांसद जो शामिल होंगे, नरेश बंसल हैं, कल्पना सैनी हैं और अनिल बलूनी हैं। ये राज्यसभा के सांसद हैं जो शामिल होने वाले हैं आज दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें, और महत्वपूर्ण विषय जो रहेंगे जिन पर चर्चा होगी उनका ये भी हिस्सा बनेंगे। यानी कुल मिलाकर लोकसभा सांसदों के साथ साथ राज्यसभा सांसदों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए और अविनाश दिल्ली से हमारे साथ लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ गए। सबसे पहले दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली में फिलहाल क्या चल रहा है जानने के लिए अविनाश का रुख कर लेती हूँ। अविनाश, दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, बैठक कितनी देर में चालू होगी और क्या सांसदों का वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है, अब तक कौन कौन पहुंचा है? जी देखिए पूजा, अगर बात करें तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और जितने भी सांसद वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। उत्तराखंड से लोकसभा और राज्यसभा मिला के भारतीय जनता पार्टी की 8 सांसद हैं और 8 सांसद इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। प्रभारी दुष्यंत गौतम भी दिल्ली आ चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो अभी वो गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं, गुजरात जा रहे हैं। चूंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद वो देर शाम दिल्ली लौटेंगे और ये बैठक शाम 7 बजे से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर आयोजित की गई है, जिसमें अगर बात करें तो सभी 8 सांसद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे और इसके अलावा अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। चूंकि अगर बात तो लोकसभा चुनाव में अब नजदीक आ गया है, 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है लोकसभा चुनाव में, ऐसे लिहाजा में किस तरीके से तैयारियां की जाए और कैसे आगे जनता के बीच में जाया जाए जिससे कि जो सांसद का चुनाव होने वाला है उसमें 5 सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत सके, इसी को लेकर के आज ये अहम मंत्रणा होगी। और इसमें सभी सांसदों को यह भी कहा जाएगा कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हो, ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाए और जो नई कार्य समिति बननी है प्रदेश के अंदर इसको लेकर के भी आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ठीक है अविनाश, मैं लौटती हूँ आपके पास और पंकज हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। पंकज देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमने चुनावों से पहले देखा है जिस तरीके से एक्शन मोड में आते हैं और रणनीति बहुत पहले से तैयार कर ली जाती है। 2024 में लोकसभा चुनाव है लेकिन उसकी तैयारियों में अभी से बीजेपी जुट गई है, उसकी शुरुआत क्योंकि उत्तराखंड भाजपा से हो रही है, तो देहरादून में फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से प्लानिंग की गई है इस बैठक को लेकर?
देखिए पूजा, अभी 10 तारीख को प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने देहरादून में सभी पदाधिकारियों की बैठक की थी, जिसमें आगामी तमाम एजेंडे तय किए गए थे। लेकिन उसके बाद यह तय किया गया था कि दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक के सभी सांसदों के साथ की जाएगी। और जिस तरह से पड़ोसी राज्य हिमाचल में जो नतीजे भाजपा के विपरीत आए हैं, उससे उसका असर उत्तराखंड में ना पड़े, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव होंगे। और निकाय चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनावों से पहले निकाय चुनावों को रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और निकाय चुनाव जीतना भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि यदि वो निकाय चुनावों में अपनी वर्चस्व बना लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं, तो आगामी चुनावों में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए तमाम जो कार्यक्रम है उनको जनता तक पहुंचाए, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें कैसे पन्ना प्रमुख और बूथ कार्यकर्ता होते हैं कैसे घर घर जाकर लोगों को बताएं, और केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारे, और तमाम चीज़ों को लेकर यह बैठक में मंथन 10 तारीख को किया गया था। और उसके बाद अब दिल्ली में जिस तरह से बैठक हो रही है उसमें यही तय किया जाएगा कि हिमाचल में जो नतीजे हुए हैं भाजपा के विपरीत उसको उत्तराखंड में नहीं दो जाए, क्योंकि दोनों ही राज्यों की समीकरण बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों पर्वतीय राज्य हैं। और हिमाचल में क्योंकि देखिए पहले से ये रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का वहाँ पर सरकार बनती रही है, लेकिन उत्तराखंड के जो 2022 में चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने उसको पूरे तोड़ दिया था, इस पूरे जो पूरी तरह से चला आ रहा था उत्तराखंड में भी एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की सरकार, और इस बार फिर भाजपा की सरकार बनी थी। लेकिन आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, उसमें फिर से भाजपा अपना वर्चस्व तैयार करके रखे और निकाय चुनावों में जीत हासिल करते, उन तमाम चीज़ों को रणनीति तैयार की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि सांसदों के कामों की समीक्षा की जाएगी कि पिछले दौरान जो उनके काम हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्रों में काम किए हैं, किस तरह से वो अपने जो जनता है उसके बीच में लोकप्रिय हैं, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि देखिए भाजपा पहले से ही एजेंडा तय कर लेती है कि जो भी लोकप्रिय नेता नहीं होगा जनता के बीच में उसका टिकट भी कट सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इस बैठक में रहने वाली हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बैठक में अभी आगामी कार्यक्रमों के एजेंडे तय होंगे, लेकिन इसमें समीक्षा भी होगी और तमाम कामों को लेकर आगे तैयारी की जाएगी। जी ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अविनाश आपका भी शुक्रिया बहुत अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से हिमाचल का जिक्र यहाँ पर हो रहा है और दिल्ली का भी जिक्र हम यहाँ पर जरूर करेंगे, जो भी इलेक्शन में हार हासिल हुई है उसके बाद रणनीति बनाने की तैयारी, आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।